हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद समर में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आई कंप्यूटर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में इस वैकेंसी से संबंधित पूरा डिटेल सिलेबस आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके अपने शेयर कर दीजिए सोशल मीडिया में और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं UPSC कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2019 उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, पोस्ट नेम है कंप्यूटर असिस्टेंट। तो दोस्तों, सिलेबस बताने से पहले मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसकी महत्वपूर्ण तिथियों की, तो इसका आवेदन स्टार्ट रहा है 15 नवंबर 2019 से तथा इसके आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 11 दिसंबर 2019। यानी कि दोस्तों, 15 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर के बीच में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके एप्लीकेशन फ़ीस की, तो इसमें जनरल और OBC कैटेगरी के लिए 125 रुपये का शुल्क देना होगा, SC और ST कैटेगरी के लिए 65 रुपये का शुल्क देना होगा, वहीं फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए 25 रुपये का शुल्क देना होगा। और इस फीस का भुगतान आप ऑनलाइन के द्वारा यानी कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से 11 दिसंबर 2019 तक इसके फीस का भुगतान कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके जॉब लोकेशन की, तो इसका जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश होगा। वहीं अगर हम बात करें इसके एज लिमिट की, यानी कि जो उम्र सीमा होगी उसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 जुलाई 2019 के गणना के आधार पर मिनिमम एज लिमिट है 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट है 40 साल। और दोस्तों, इसमें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में छूट भी दी गई है, जिसमें SC ST के लिए 5 साल तथा OBC नॉन क्रीमिलेयर के लिए 3 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दी गई है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी इसमें 14 पदों पर निकाली गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा वैकेंसी डिटेल। पोस्ट नेम है कंप्यूटर असिस्टेंट, पे स्केल UPSC के नियमानुसार होगा। अगर हम बात करें इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए जो आपके पास योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास होना चाहिए और साथ ही ओ लेवल का एग्ज़ाम भी पास होना अनिवार्य है। यानी कि दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप 11 दिसंबर 2019 से पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, आवेदन करने से पहले आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर चेक कीजिए ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। और दोस्तों, इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर इसे डाउनलोड कीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद उसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, फिर इस फॉर्म को आप अप्लाई कीजिएगा। और आवेदन करने के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो होगा फोटोग्राफ और सिग्नेचर। दोस्तों, अगर हम बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की, यानी कि इसमें जो चयन का माध्यम होगा उसके बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो इसमें आपका चयन होगा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम के आधार पर इसमें आपका चयन किया जाएगा। तो चलिए आपको बता देता हूँ इसके सिलेबस के बारे में। तो उससे पहले दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं जो वैवाहिक स्थिति है उसके बारे में सारा डिटेल है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, इसके लिए पात्र नहीं होंगे। तो इस तरह यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों, इसकी छूट के लिए आपको महामहिम राज्यपाल से छूट प्राप्त करनी होगी। शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें इसमें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शैक्षिक योग्यता होगी किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान, विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा या फिर DOEC या फिर NILET सोसाइटी से ओ स्तर के डिप्लोमा के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण हो तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पूरा ये जो इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अधिमानी अर्थात यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आयु सीमा के बारे में, दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर हम आयु सीमा की बात करें तो 18 से लेकर 40 होनी चाहिए और उम्र की गणना 1 जुलाई 2019 के आधार पर की जाएगी। अर्थात यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 2 जुलाई 1979 से लेकर 1 जुलाई 2001 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और साथ ही यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं PWD कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है वो 55 वर्ष है।
अधिकतम आय सीमा में छूट यहाँ पे देख सकते हैं, और परीक्षा के संबंध में आप कुछ सूचनाएं वो भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस कंप्यूटर सहायक पद पर चयन हेतु होने वाली परीक्षा की योजना तथा पाठ्यक्रम के बारे में तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। प्रश्नगत परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी बहुविकल्पीय प्रकार का होगा। प्रश्न पत्र की अवधि 1 घंटा 30 मिनट की होगी, यानी कि 1.5 घंटे आपको इसमें समय दिया जाएगा, और इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे तथा पूर्णांक 100 अंकों का होगा, यानी कि दोस्तों एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं उक्त परीक्षा के आधार पर कुल रिक्त पदों का 10 गुना अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर हिंदी टंकण परीक्षा हेतु सफल घोषित किया जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी के हिसाब से 10 गुना अभ्यर्थियों को कंप्यूटर पर जो टेस्ट होगा आपका उसके बारे में आपको 10% अभ्यर्थी इसमें चयनित किए जाएंगे। बात करें हम द्वितीय चरण में कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा होगी जो कि अधिकारी प्रवृत्ति की होगी, यानी कि केवल और केवल इसको क्वालिफाई करना होगा। हिंदी टंकण परीक्षा की अवधि 5 मिनट होगी, और इसमें यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं परीक्षा में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से गति होनी आवश्यक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं केवल ऐसे अभ्यर्थी को चयन के लिए विचार किया जाएगा जिन्होंने हिंदी टंकण परीक्षा में न्यूनतम गति प्राप्त कर ली हो। अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता का निर्धारण मात्र लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा, यानी कि दोस्तों जो इसमें आपकी मेरिट बनाई जाएगी केवल और केवल परीक्षा के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। अगर हम बात करें परीक्षा योजना की यानी कि परीक्षा शेड्यूल की तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें सामान्य हिंदी से प्रश्न होंगे जिसमें प्रश्नों की संख्या होगी 25 और 25 अंक इसके लिए दिए जाएंगे। दूसरा होगा दोस्तों सामान्य बुद्धि परीक्षण जिसमें कि आपको 25 प्रश्न होंगे 25 नंबर के लिए। सामान्य ज्ञान होगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के लिए, और कंप्यूटर का ज्ञान होगा 25 नंबर के लिए 25 क्वेश्चन होंगे, और जो इसके लिए समय दिया जाएगा आपको 1 घंटा 30 मिनट की 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। तो अगर हम बात करें विस्तृत में सिलेबस के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी के बारे में जो पेपर आएगा वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। सामान्य वार्तालाप से प्रयोग किए जाने वाले हिंदी के शब्दों एवं मुहावरों का ज्ञान होना चाहिए। सामान्य कार्य में प्रयोग होने वाले तकनीकी हिंदी शब्दों का ज्ञान, अपठित गंदास के आधार पर प्रश्न, हिंदी भाषा लेखन योग्यता। अगर हम बात करें भाग बी की तो इसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण होगा जिसमें मेंटेलिटी एबिलिटी, जियोग्राफिकल एंड पैटर्न एनालिसिस एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और साथ ही हम यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं डाटा कंपैरिजन एंड डिसीजन मेकिंग से संबंधित प्रश्न होंगे। अगर हम बात करें इसके सामान्य ज्ञान की पेपर की तो इसमें जनरल साइंस यानी कि विज्ञान से संबंधित प्रश्न होगा जिसमें कि फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, मैथमेटिक्स गणित, एग्रीकल्चर कृषि, फार्मेसी बॉटनी, जियोलॉजी इत्यादि से संबंधित इसमें आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं प्राइमरी इकोनॉमिक्स, ग्रोथ रेट्स, GDP, GNP तो इससे रिलेटेड आपके प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे सामान्य ज्ञान में। उसके बाद दोस्तों होगा सोशल साइंस से संबंधित प्रश्न होगा जिसमें कि संविधान, लॉ रिलेटेड इश्यू, इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास, जियोग्राफी यानी कि भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। साथ ही यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि संचार तकनीकी से संबंधित प्रश्न होंगे, स्पेस साइंस होगा, सैटेलाइट लॉन्च से संबंधित प्रश्न इसमें आपके पूछे जाएंगे। कंप्यूटर ज्ञान की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर ज्ञान में ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स से संबंधित प्रश्न होंगे। उसके बाद होगा कंप्यूटर लैंग्वेज सी और C++ से संबंधित प्रश्न होंगे। डॉक्यूमेंट्स हैंडलिंग से संबंधित प्रश्न होगा जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं फाइल फॉर्मेट्स, मार्जिंग, एडिटिंग एंड वेरियस अदर डॉक्यूमेंट्स प्रोसेसिंग, पावर पॉइंट, PDF इत्यादि से संबंधित इसमें आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद होगा तो दोस्तों डाटाबेस हैंडलिंग, MS Access, सिंपल डाटाबेस प्रिपरेशन, तो इसी से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे कंप्यूटर से संबंधित। उसके बाद होगा दोस्तों इंटरनेट्स एंड ईमेल्स, WWW, पॉपुलर वेबसाइट, वेब सर्फिंग, ईमेल प्रिपरेशन, स्पैम ईमेल, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद होगा दोस्तों मालवेयर एंड वायरस से संबंधित प्रश्न होंगे, कॉमन अवेलेबल वायरस एंड मालवेयर्स एंड देयर रिमूवल से संबंधित प्रश्न इसमें आपके पूछे जाएंगे। तो इस तरह यहाँ पर देख सकते हैं पूरा इसका सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, तो यहाँ पर आप सभी जानकारियाँ चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए
या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए